प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ। जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू, इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीजें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्द का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर लाजवर्द है वहाँ पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियाँ भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ें हैं, ये हैं वो पांच चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीज़ों को लेकर बैठना है, विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा, आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नज़दीक है और हम चाहते हैं ये वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 18 अक्टूबर 2021 क्या बोलते हैं आपके सितारे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6:22 पर, सूर्यास्त होगा 5:47 पर। वार है सोमवार, चंद्र राशि मीन और तिथि है त्रयोदशी, नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, पक्ष है शुक्ल पक्ष और सूर्य राशि है तुला। अभिजीत मुहूर्त है 11:42 AM से लेकर 12:28 PM तक और राहु काल होगा 7:48 AM से लेकर 9:14 AM तक। तो शुभ समय में करें शुभ काम और अशुभ समय में ईश्वर का ध्यान करें और सावधानी रखें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी राशि को, क्या शुभ परिणाम यहाँ पर मिलने वाले हैं आज के दिनों में और क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, ये जो गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष का आपने अभी देखा वीडियो शुरू होने से पहले, और इस गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो शक्ति है जो आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग YouTube पे सामान बेच रहे हैं या चीज़ें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संसार जो है खरीदने और बेचने का ही एक जरिया है। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छी चीज़ ना दी जाए तो भी आप कहेंगे कि अच्छी चीज़ तो अमीरों के लिए होती, गरीबों को कोई पूछता नहीं, और जब दी जाए तो भी लोग उंगलियाँ उठाते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये आपके भले की चीज़ है,
आप बस इतना समझकर ऑर्डर कर सकते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। आपका खर्चा आपकी आमदनी से अधिक हो सकता है, व्यर्थ के धन खर्च से बचना होगा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, छोटे भाई बहन आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, आपके जीवन साथी से आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, अन्यथा आपके घर का वातावरण प्रभावित होगा। आज का दिन स्वास्थ्य व धन के निवेश को लेकर शुभ नहीं है। आज का दिन बिजनेस में जबरदस्त सफलता लेकर आ सकता है, लेकिन धन का निवेश मत करिएगा। आपको खुद मालूम नहीं चलेगा कि आपको बहुत सारे छोटे बड़े लाभ होते हुए दिखाई पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों का भी मेहनत में सफलता प्राप्त होगी। खर्चे अधिक हैं, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, व्यर्थ के खर्चे मत करिएगा। धार्मिक विचार मन में आएंगे तो मंदिर वगैरह जाना चाहे तो जा सकते हैं, और सेहत कुछ कमजोर होगी, छोटा मोटा मौसमी बीमारियां आपको तकलीफ दे सकती हैं। निजी जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी, तो व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, खर्चों से बचना है, और किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा मन से निकाल दीजिएगा तो मेष राशि वालों के लिए दिन बेहतरीन होगा। तो आपने अपनी राशि का ये राशिफल जाना। राशिफल का मतलब क्या होता है? राशिफल का मतलब होता है एक इशारा, एक संकेत कि आगे आने वाला दिन कैसा है, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। उपाय क्या करना है? भगवान शंकर के समक्ष जाइए, हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए और कहिए जाने अनजाने जो गलतियां हुई माफ़ करें और आगे बढ़ने की राह दिखाएं। इतना कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी शिवालय में जाकर ये काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहते हैं कि अगर आपके इरादे सच्चे हों तो मन में शिवालय होता है, तो फिर आँख बंद करके भगवान शिव का स्मरण करें और जो मंदिर आपने देखा हो, कहीं गए हों, उसी को अनुभव करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। दिन बढ़िया हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी का बुरा ना करिए और आगे बढ़ते रहिए। यही सबसे बड़ा उपाय होता है जीवन में तरक्की करने का। बस एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, आपसे किसी का बुरा ना हो, यही आपका सबसे बड़ा उपाय है। आपकी ज़ुबान मीठी रहे, यही आपका सबसे बड़ा उपाय है। बाकी आप लोग L55 लिखकर व्हाट्सएप करें, क्योंकि गणेश लक्ष्मी आपके घर में जब आएंगे, जो आप लोगों ने अभी देखा, मैंने बताया, ये वाकई में मतलब मैं भी इनकी पूजा करता हूँ, तो जो मुझे अपने जो मुझे लाभ देता है, तो मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे देखते हैं उनको भी लाभ हो। नमस्कार।